इंद्रप्रस्थ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के तत्वाधान में 26वें पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ 10 फरवरी को दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने किया। प्रदर्शनी में NCR समेत पूरे देश के फूल प्रेमी शामिल हुए। इसका आयोजन करकटडूमा के सूरजमल बिहार के बाहुबली DDA पार्क में किया गया। प्रदर्शनी में 10 फरवरी को सुबह 9 बजे से विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग फूल व्यवसायियों ने अपने अपने पुष्पों का प्रदर्शन किया। 2 दिवसीय इस प्रदर्शनी में रंग बिरंग से भरे अनेक सुंदरम फूलों की छटा देखते ही बन रही थी। भारत की अनेकता में एकता का प्रदर्शन। इंद्रप्रस्थ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के सदस्यों ने भारत की अनेकता में एकता को प्रदर्शित किया, जिसमें देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां दिखाई गई। इन झांकियों में सभी प्रदेशों से उगने वाले पेड़ पौधे और औषधीय पौधे का प्रदर्शन किया गया। भारतीय नारी के बढ़ते कदम का प्रदर्शन। देश की महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की सामाजिक भागीदारी, देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी को प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला सहित सामाजिक निर्माण में महिलाओं की भागीदारी को भी प्रदर्शन किया गया। झांकी के माध्यम से यह बताया गया कि आज के बदलते समय में महिला अब घर की काम ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आयोजन का थीम था मेरा भारत मेरा मान। इंद्रप्रस्थ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की संस्थापक सचिव रचना जैन ने नर्सरी टुडे को बताया कि आज से 26 साल पहले हमने इस संस्था की स्थापना की थी। तब से हर साल इस तरह का आयोजन किया जाता है, जिसका मकसद है कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना। रचना जैन ने आगे कहा कि इसका आयोजन का थीम मेरा भारत मेरा मान रखा गया है। मैं रचना जैन हूँ, इंद्रप्रस्थ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की फाउंडर सेक्रेटरी। ये हमारा 26वां फ्लावर शो है। इस फ्लावर शो को करने का हमारा मकसद ये है कि हम दिल्ली NCR में एक जागरूकता पैदा करें कि वो लोग अधिक से अधिक सब्जियाँ उगाएँ और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करें। तो हम लोग हर बार अलग अलग थीम के ऊपर लोगों को मैसेज देते हैं। अंदर वाला है जिसमें पीछे पार्क भी बना हुआ है। ऑर्गेनिक गार्डनिंग सिखाते हैं। इस बार के शो का हमारा थीम है मेरा भारत मेरा माँ, जिसके अंदर हमने एक स्टॉल में ये दिखाया है कि भारत में अनेकता में एकता है, यही भारत की विशेषता है। यानी यहाँ पे अलग अलग उपज, अलग अलग लोग, रहन सहन, धर्म, जाति है, और वहाँ पे क्या क्या अलग उगाया जाता है, हर जगह में कितनी अलग तरह के, कहीं पहाड़ हैं, कहीं नदी हैं, कहीं नाले हैं, तो वो सब हम उसके अंदर हमने दिखाया है। योग प्राकृतिक चिकित्सा उसके ऊपर भी हमने बनाया है, और नारी सशक्तिकरण के ऊपर हमने दिखाया है भारतीय नारी के बढ़ते कदम। इसके साथ ही पुष्प प्रदर्शनी में भारत की सौगात योग आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा के तहत भारतीय जड़ी बूटी के पौधे और योग को भी दर्शाया गया। इस दौरान योग से जुड़ी प्रतिभाओं को निखरने का मौका भी दिया गया। इंद्रप्रस्थ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के अध्यक्ष कृष्णा गुप्ता ने बताया कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य है कि लोग हॉर्टिकल्चर के महत्व को जाने, जिससे वातावरण को स्वच्छ बनाया जा सके। मैं कृष्णा गुप्ता हूँ, ये हमारा 26वां फ्लावर शो है। एक्चुअली अभी फ्लावर शो नहीं रहा, अभी हमारे लिए एक तरह से फेस्टिवल है, और हम इसको अपने फेस्टिवल के स्पिरिट से ही मनाते हैं। फेस्टिवल तो खाली हफ्ते दो हफ्ते का होता है, लेकिन ये हमारा फेस्टिवल लंबा चलता है। लगभग 2 महीने हमें इसकी तैयारी में लग जाते हैं। हम लोग सब ग्रुप्स बना करके, हमारी पूरी सोसाइटी के मेम्बर्स, हम इसको ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। फिर कोई किसी थीम को पकड़ के ग्रुप बना, कोई ग्रुप कोई थीम पकड़ता है, कोई ग्रुप कोई थीम पकड़ता है, तो इस तरह से हमारे इसमें डाइवर्सिटी। इस बार हमने 4 थीम रखे हैं, मेरा भारत मेरा मान। इसमें हमने दिखाया है कि हमारा हमारे भारत में बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत तरह का वेदर है, कहीं ठंड है, कहीं गर्मी है, बहुत तरह का खाना उगता है, बहुत तरह का कपड़े डिफरेंट डिफरेंट पहनते हैं, लेकिन फिर भी हमारी सोच सबकी एक ही है, हम एक इंडिया। और इसी तरह से एक हमने नेक्स्ट पेवेलियन बनाया है, जिसमें कि वीमेन एम्पावरमेंट कि वीमेन क्या, और वीमेन की एम्पावरमेंट को आप इस पार्क में देख ही रहे हैं, सब वीमेन ही पहन रहे हैं। एक हमने ये भी बताने की कोशिश की है कि पहले जब हम अपने पारंपरिक तरीके से खेती करते थे,
तो हमारी उपज बहुत कम होती है। इंद्रप्रस्थ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी में आयोजित पुष्प प्रदर्शनी में 500 से ज्यादा फूलों की वेराइटी को लोगों ने देखा, जिसमें गुलाब की विभिन्न प्रजातियां के अलावा रजनीगंधा, जरबेरा, बर्ड ऑफ पेराडाइन, एनीमोन की अलग अलग वेराइटी देखने को मिली। इतना ही नहीं, इन फूलों के अलावा रंगीन पत्तियों वाले सजावटी पौधे का भी प्रदर्शन किया गया। पुष्प प्रदर्शनी में बोनसाई, क्रैक्टस, सजावटी पौधे, फ्लावर पार्ट्स, वर्टिकल गार्डन, फूलों के पौधे, सब्जियों के पौधे, फूलों की रंगोली भी आकर्षण का केंद्र रहे।